हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं माही स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल माही का ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका प्यारा बनी आपका फ्रेंड कैसे बने, आप अपने बनी को कैसे अपना फ्रेंड बना सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से 8 पॉइंट हैं कि जिससे कि आप अपने खरगोश के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप कर सकते हैं और उससे एक अच्छी बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि खरगोश को कभी भी केज में ना रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, खरगोश एक सोशल एनिमल है, उसे खेलकूद करना और उछल कूद करना अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रैबिट आपके साथ खेले, आपके साथ जल्दी बॉन्ड हो, तो उसे कभी भी केज में ना रखें। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी केज में रखें, वरना केज में ना रखें, क्योंकि आपका बनी जितना आप लोगों के साथ रहेगा उतनी ही जल्दी आप लोगों के साथ बॉन्ड होगा। क्योंकि अगर आपका बनी ज़्यादा कैद में रहेगा तो वो ज़्यादा खुश नहीं रह पाएगा, आपसे ज़्यादा घुल मिल नहीं पाएगा, और इस कंडीशन में आपके बनी से आपकी दोस्ती बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, वो ये है कि आप अपने खरगोश के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करें, उससे बातें करें, धीरे धीरे उसके सिर पर पैटिंग करते हुए उससे कुछ ना कुछ बातें करते रहें। क्योंकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपका पेट एक एनिमल है तो वो आपकी बात नहीं समझेगा, अगर आप अपने बनी से बातें करेंगे तो वो आपकी बात को जरूर समझेगा। तो आप उससे जितनी हो सके बातें करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। तो आप चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि कभी भी अपने रैबिट को फोर्स ना करें कुछ भी करने के लिए। रैबिट को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि ज़बरदस्ती कोई उससे काम करवाया जाए। आप अपने बनी को फील कराएं कि वह आज़ाद है कुछ भी करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। बहुत सारे ओनर ऐसे होते हैं कि ज़बरदस्ती बनी को गोद में उठाते हैं या फिर उसे इधर उधर भगाते हैं। ऐसा करने से खरगोश बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। ये सब करने से आपका खरगोश कभी भी आपका फ्रेंड नहीं बनेगा। तो चलिए अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि आप अपने बनी को दिन में 2-3 बार उसका फेवरेट फूड अपने हाथों से खिलाएं। ऐसा करने से आपका बनी बहुत जल्दी आपसे घुल मिल जाएगा, उसको लगेगा कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसका मनपसंद फूड भी आप उसको खिलाते हैं। तो अगर आप ये दिन में 2-3 बार करते हैं तो वो बिना बुलाए ही आपके पास आने लगेगा। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि आप अपने बनी का कोई नाम जरूर रखें और उसे उसके नाम से दिन में कई बार पुकारें। शुरू शुरू में शायद वो आपके बुलाने से ना आए, लेकिन धीरे धीरे वह जान जाएगा कि उसका नाम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आप उसे बुलाएं तो उसे उसका मनपसंद खाना जरूर दें, ताकि उसे लगे कि आप उसे कुछ खिलाने के लिए बुला रहे हैं। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों, अपने खरगोश की बॉडी लैंग्वेज को समझना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बनी आपके साथ दोस्ती करे तो आपको सबसे पहले अपने बनी को समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है, वो किन किन चीज़ों से डरता है, क्या क्या चीज़ों से पसंद है। अगर वह खुश रहता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। ऐसे ही और बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आप समझकर उससे दोस्ती कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने बनी की बॉडी लैंग्वेज अच्छे से समझ रहे हैं तो आप वही करेंगे जो आपके बनी को पसंद है, और वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे जो आपके बनी को पसंद नहीं है। तो इस तरह आपका बनी बहुत जल्द आपसे घुल मिल जाएगा और आपका फ्रेंड बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सेवंथ पॉइंट की तरफ। दोस्तों, वो ये है कि अगर आपका बनी आपके पास आ रहा है और कभी कभी आपके पास आकर बैठ भी जाता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर बार आप उसे पेटिंग करें। अगर आप उसे पेटिंग कर रहे हैं और अगर वो बार बार सिर इधर उधर कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका पेटिंग कराने का मूड नहीं है। तो अगर आपके बनी का पेटिंग कराने का मूड नहीं है तो आप ज़बरदस्ती उसकी पेटिंग ना करें। एट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और वो ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने बनी को टाइम देना पड़ेगा। जल्दबाजी में उसे कुछ भी करने के लिए फोर्स ना करें, धीरे धीरे आपका बनी आपसे खुद ही घुल मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये 8 पॉइंट थे जिन्हें फॉलो करके आप अपने बनी से एक अच्छी फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।